Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing chapter number 5 of your main course book. And explanation is over, exercise also we are doing, and we have completed many exercises. And in the previous video I was doing with you word building, then think and say aloud, and think and write. In think and write we were doing some words with shun. Shun wale kuch words hum kar rahe the. Shun words matlab jo listen and say aloud hai, page number 52 pe jo diya hua hai, jisme ki S-I-O-N and T-I-O-N dono ka similar sound aata hai, shun. Ye humne kiya tha, agar aapne pichla video dekha hai to. फिर उसमें जो थिंक एंड राइट की जो एक्सरसाइज थी, जिसमें आपको कोई फोर वर्ड लिखने थे दैट एंड्स विद टी आई ओ एन एंड गिविंग द साउंड शन. टी आई ओ एन से ख़त्म हो रहा है और साउंड आ रहा है शन. तो मैंने आपको फोर एग्जांपल्स भी दिए थे वर्ड्स के, जिसमें कि वो वर्ड्स एंड हो रहे थे टी आई ओ एन से और साउंड था शन. और आपसे मैंने कहा था कि मैं आपको और ऐसे कुछ वर्ड्स बताऊँगी, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनकी स्पेलिंग के लास्ट में टी आई ओ एन स्पेलिंग आता है, लेकिन वो टियॉन नहीं होता है, वो शन होता है. टी आई ओ एन इज़ नॉट टियॉन, इट इज़ शन. और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ टी आई ओ एन वाले वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको और एग्जांपल दूंगी, इसीलिए वो मैं प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ. जैसा टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग से हम वीडियो का ड्यूरेशन रखते हैं. तो आपको जो फोर वर्ड जो आपके एक्सरसाइज के लिए ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में. आज मैं आपको और वर्ड्स दूँगी जिसके लास्ट में टी आई ओ एन आएगा. सबसे पहले तो देखिए ये क्या वर्ड है, स्टेशन. बोलते हैं ना स्टेशन, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन. बस तो स्टैंड होता है ना, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन भी बोलते हैं. तो स्टेशन, टी आई ओ एन इज शन. ओके, देन जो डॉक्टर लगाते हैं क्या होता है, इंजेक्शन. टी आई ओ एन इज नॉट टियॉन, इट इज इंजेक्शन. फिर ओ पी ई आर ए टी आई ओ एन, ऑपरेशन बोलते हैं ना, ऑपरेटन तो नहीं बोलते हैं, ऑपरेशन. फिर आपका इंग्लिश और हिंदी में क्या होता है, डिक्टेशन. कभी आपने डिक्टेटन नहीं बोला है ना इसको, डिक्टेशन है ना, डिक्टेशन. फिर रिजेक्शन, रिजेक्शन. देन ऐसे बहुत सारे वैसे तो वर्ड हैं, रोटेशन, रोटेशन. लेमिनेशन, एनिमेशन, मोशन, हो गए. देन क्रिएशन, राशन. तो ये दीज आर वेरी वेरी फ्यू एग्जाम्पल. आपको इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स की भरमार हैं जिसके कि लास्ट में टी आई ओ एन है एंड साउंड है शन. ठीक है, तो ये आप पढ़ के देख सकते हैं, स्टेशन, इंजेक्शन, ऑपरेशन, डिक्टेशन, रिजेक्शन, रोटेशन, लेमिनेशन, एनिमेशन, मोशन, क्रिएशन, राशन. तो ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको मैंने एग्जांपल दिया है. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर. नेक्स्ट एक्सरसाइज है टॉक टाइम. चिल्ड्रन, टॉक टाइम जो है वो हम वीडियो क्लास में नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम कब करेंगे, ऑनलाइन क्लास में करेंगे. ठीक है, टॉक टाइम को वी विल डू इन ऑनलाइन क्लास बिकॉज वी नीड चिल्ड्रन. इसमें बच्चे चाहिए जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, जो आपस में बात करते हैं, बिकॉज थ्रू टॉक टाइम यू प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशन. आप कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं.
इसलिए। तो अब आते हैं राइटिंग स्किल पर। राइटिंग स्किल में क्या करना है हमें? राइटिंग स्किल्स क्या है इसमें? राइट 5 to 6 सेंटेंसेस ऑन एनी वर्ड यू लाइक। यू कैन ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ द बर्ड इन द गिवन स्पेस। तो इसमें क्या करना है आपको? एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, यू हैव टू राइट 5 to 6 सेंटेंस ऑन एनी बर्ड यू लाइक। आपको जो भी बर्ड पसंद है अपनी मर्जी से किसी भी बर्ड के बारे में अब 5 to 6 लाइंस आपको सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। यू कैन ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ द बर्ड इन द गिवन स्पेस। फिर आप देख रहे होंगे पेज नंबर 54 पे एक बॉक्स दिया हुआ है, एज यू कैन सी। तो इस बॉक्स में आप थोड़ा सा हेजी है, उस बॉक्स में आपको उस बर्ड की आपको आप पिक्चर या तो ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप पेस्ट कर सकते हो। आपके आपके पास दोनों ऑप्शन है, इधर यू कैन पेस्ट इट और यू कैन ड्रॉ इट। अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको उस सेंटेंस में सेंटेंसेस क्या लिखने हैं? क्लू दिया हुआ है नीचे, आप उस बर्ड का नाम बताएंगे, कलर बताएंगे, कहाँ रहता है, क्या खाता है, उसका साइज डिस्क्राइब कर सकते हैं, एनीथिंग स्पेशल अबाउट दैट। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मैं यहाँ पे ना पैरट के बारे में लिखती हूँ, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पैरट के बारे में ही लिखना है। आप पैरट के बारे में भी लिख सकते हैं या फिर किसी और बर्ड के बारे में भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट अबाउट पिकॉक, यू कैन राइट अबाउट डव, यू कैन राइट अबाउट पिजन, यू कैन राइट अबाउट एनी अदर बर्ड यू लाइक, आपकी चॉइस होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के सेट में मैं आपके लिए पिकॉक लिख रही हूँ। तो लेट मी राइट सम सेंटेंसेस, ओके, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको लिख के दे रही हूँ अबाउट पैरट। चलिए, तो पहला सेंटेंस मैं लिखूँगी कि आई लाइक पैरट्स, मुझे तोते पसंद है। एक तोते की बात नहीं हो रही है, आई लाइक पैरट्स, आई लाइक पैरट्स, फर्स्ट सेंटेंस हो गया मेरा। सेकेंड, दे आर ग्रीन, सॉरी आर मिस हो गया, ग्रीन इन कलर। जनरली पैरट्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ऐसे तो आज कुछ जो मकाऊ टाइप के जो पैरट्स होते हैं वो उसमें रेड ऑरेंज येलो कलर भी होता है, लेकिन हम एक कॉमन इंडियन पैरट की बात कर रहे हैं तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, दे आर ग्रीन इन कलर। उसके बाद आप लिख सकते हो दे हैव रेड बीक्स, उनके जो चोंच होती है, पैरट की जो चोंच होती है वो कैसी होती है? रेड कलर की होती है। अगर आपने देखा होगा पैरट, मे बी आप में से किसी के घर में होगा भी, तो पैरट की जो बीक होती है थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है और वो रेड कलर की होती है ना, इस कुछ समथिंग लाइक दिस, ऐसे रहता है ना पैरट। मैं कोशिश करती हूँ उसको बना भी दूँ, उसकी आँख को हम एक ब्रांच पे ही बिठा देते हैं। ठीक है, चलिए, एक पैरट ये बन भी गया। तो दे हैव रेड बीक, उनका जो चोंच होती है वो रेड कलर की होती है। जो मेल पैरट्स होते हैं, द
मेल पैरट्स हैव रेड स्ट्राइप अराउंड देयर नेक. जो मेल पैरट होते हैं, जो तोता होते हैं, तोती नहीं, जो तोता होते हैं, उसका ये जो ये होता है ना, ये ना रेड कलर का उसके गले पे एक बैंड होता है, एक स्ट्राइप होती है उसके गले में, मेल पैरट का होता है. जो फीमेल पैरट होगी ना, उसके गले में आपको नहीं दिखेगा. ये जो मेल पैरट्स होते हैं उनके गले में एक रेड कलर का स्ट्राइप्स होता है. फिर नंबर 5 में लिखेंगे, दे मेक नेस्ट ऑन. आप बिग लिख सकते हो या ह्यूज भी लिख सकते हो, ठीक है. बड़े बड़े पेड़ों पे अपना नेस्ट बनाते हैं, छोटे छोटे पेड़ पे नहीं बनाते हैं. दे मेक देयर नेस्ट ऑन ह्यूज ट्रीज या फिर बिग ट्रीज, दोनों में से आपको जो सही लगे वो वर्ड आप लिख सकते हो. दे मेक नेस्ट ऑन ह्यूज या बिग ट्रीज. ये 5 सेंटेंस है. मैं आपको और सेंटेंस लिख देती हूँ, जितना स्पेस है उस अकॉर्डिंग मैंने 5 लिखा. आई विल राइट फ्यू मोर लाइन्स. तो पहला हो गया, आई लाइक पैरट्स, दे आर ग्रीन इन कलर, दे हैव रेड बीक, द मेल पैरट्स हैव रेड स्ट्राइप्स अराउंड देयर नेक, दे मेक नेस्ट ऑन बिग और ह्यूज ट्रीज. चलिए बाकी के सेंटेंस लिख देती हूँ मैं. नंबर 6 सेंटेंस हो गया, दे ईट, क्या खाते हैं. दे ईट सीरियल्स सीड्स फ्रूट्स चिली. उनको चिलीज बहुत पसंद है. आप को जो तोते होते हैं, जो पैरट्स होते हैं, दे लव ईटिंग चिलीज. उनको मिर्ची खाना बहुत पसंद होता है. और उसके अलावा वो अनाज खाते हैं, सीड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये सब चीज़ें वो खाते हैं. ऑलमोस्ट वेजिटेरियन चीज़ें सारी वो खाते हैं जो पैरट्स होते हैं. नंबर 7 है, दे कैन कॉपी ह्यूमन स्पीच. मतलब वो इंसानों की तरह वो बोल भी सकते हैं, हमारी कॉपी कर सकते हैं. बहुत से ऐसे पैरट्स होते हैं जो हमारे को इमिटेट करते हैं, मतलब हमारी कॉपी कर सकते हैं. अगर हम उन्हें बोलना सिखाएं अपनी तरह, तो वो बोल भी सकते हैं. ज़्यादातर आपने मिठू मिठू बोलते हुए सुना होगा, सीताराम सीताराम, ऐसे लोग सिखाते हैं, जो सिखाते हैं वैसा वो बोलते हैं. उनको ट्रेन करना पड़ता है. तो दे कैन कॉपी आर स्पीच. आर मतलब ह्यूमन स्पीच. दे कैन कॉपी ह्यूमन स्पीच. तो ये हो गए, मैंने आपको ऑलमोस्ट 7 सेंटेंसेस बता दिए. 5 to 6 ही बताने हैं, लिखने हैं आपको. तो 7 सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए. आप चाहे तो ये सेम सेंटेंस लिख सकते हैं. आप अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका राइटिंग सेक्शन, आपका पूरा हो गया, ठीक है. चलिए अब बचा क्या. I will give you now some words for framing sentence. This is homework. ये फाइनली आप होमवर्क नोट कीजिए और आपको सेंटेंस बनाने हैं खुद से, फ्रेम सेंटेंसेस. बहुत ईजी दूंगी, कोशिश कीजिएगा. नहीं आएगा तो फिर मैं आपको ऑनलाइन क्लास में कर बताऊँगी, ठीक है. नाउ राइट डाउन होमवर्क. फ्रेम सेंटेंसेस. पहला वर्ड है आपका, चैप्टर के ही वर्ड दिए जाएंगे, कोई नया वर्ड नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है. सबसे पहला तो वर्ड हम दे देते हैं, बर्ड्स. नंबर 2 है हॉबी. नंबर 3 है इंटरेस्टिंग. देन नंबर 4 है टुगेदर. नंबर 5 है डिस्कवर. ओके,
ये हो गए आपके 5 words जिसके आपको सेंटेंसेस बनाने, बहुत ही ईजी है. बर्ड्स के बहुत ईजी आप बना सकते हो. आई लाइक वॉचिंग बर्ड्स, आई हैव सीन मैनी बर्ड्स, बर्ड्स लिव ऑन ट्री, बर्ड्स मेक ब्यूटिफुल नेस्ट, कुछ भी बना सकते हैं. हॉबी, माई हॉबी इज़ पेंटिंग, माई हॉबी इज़ ड्राॅइंग, माई हॉबी इज़ डांसिंग, ये हो गया. इंटरेस्टिंग, आई हैव मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स, आई रिसेंटली और यू वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग मूवी, एनीथिंग. आई टुगेदर वी शुड लिव टुगेदर, वी शुड वर्क टुगेदर, वी शुड प्ले टुगेदर, बना सकते हैं. डिस्कवर, आई डिस्कवर्ड अ न्यू बुक इन माई लाइब्रेरी. हो सकता है कोई छुपी बुक हो, या वी डिस्कवर, डॉक्टर सलीम डिस्कवर्ड मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स, ऐसा कुछ भी आप बना सकते हैं. ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है. ये 5 words का आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं. दिस इज़ योर होमवर्क. ओके, सो आज के साथ, इसके साथ ही आज का वीडियो भी ख़त्म होता है और आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, थैंक यू.